दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट पब्लिश नोबल समर टाइम को डिस्कस करेंगे। समर टाइम 2009 का साउथ अफ्रीकन बॉर्न नोबेल पुरस्कार विजेता जे एम कोर्जी का नोबल है। यह कोर्जी द्वारा फिक्शनलाइजेशन मेमोरी की थर्ड सीरीज है और 5 लोगों के व्यू पॉइंट के में एक जॉन कैथ कोर्जी का एक लाइफ विवरण है जिन्हें उसे जाना है। द मेन कैरेक्टर इन समर टाइम आर जॉन कोर्जी, मिस्टर विंसेंट एंड द इंटरव्यूअर। जॉन कोर्जी समर टाइम के ऑथर जे एम कोर्जी का एक फिक्शनलाइजेशन यानी कि काल्पनिक चित्रण है। इंटरव्यू लेने से पहले ही जॉन का निधन हो जाता है। मिस्टर विंसेंट इज जॉन्स बायोग्राफर एंड कंडक्ट द इंटरव्यू दैट मेक अप मच ऑफ द बुक्स। इंटरव्यू में डॉक्टर जूलिया फ्रैंकनर, एक थेरेपिस्ट मतलब चिकित्सक शामिल है जिनका जॉन के साथ अफेयर था। मार्गरेटो जोंकर, जॉन के चचेरे भाई एडियाना नेसिमेटो जिन्होंने जॉन के रोमांटिक एडवांसेस को जन्म दिया। मार्टिन केपटाउन यूनिवर्सिटी में जॉन के कलीग और सोफी डोनॉल, ऑल्सो ए कलीग विथ होम जॉन हैड ए ब्रीफ रोमांटिक रिलेशनशिप। द मेन थीम इन समर टाइम आर फिक्शन वर्सेस रियलिटी, कंफेस एंड अटोनमेंट एंड अनरिक्वायर्ड लव। फिक्शन वर्सेस रियलिटी, समर टाइम में वास्तविक और आविष्कार की कई लेयर हैं। जॉन कोर्जी द लेट सब्जेक्ट एक राइटर है और अपने जीवन में उन लोगों का उपयोग करता है जो कल्पना के लिए सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। वह खुद बुक के ऑथर जे एम कोर्जी का एक फिक्शनलाइजेशन यानी कि काल्पनिक चित्रण है। कंफेस एंड अटोनमेंट, बुक गलतियों को कन्फेंस करने के कार्य पर सवाल उठाती है। क्या यह वास्तव में उस व्यक्ति की मदद करता है जो अन्याय करता है या केवल वह व्यक्ति जो कबूल करता है। अनरिक्वाइटेड लव, जॉन एक ऐसी वुमेन को फाइंड के लिए स्ट्रगल करता है हूज इंटरेस्ट मैचेस हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। नोवेल समर टाइम एक बायोग्राफर मिस्टर विंसेंट और 5 सब्जेक्ट के बीच इंटरव्यू से बनाए जो लेट जॉन कोर्जी ए फिक्शनलाइजेशन वर्जन ऑफ ऑथर जे एम कोर्जी को जानते थे। बुक 1972 और 1975 के बीच जॉन के नोटबुक से टुकड़ों के साथ खुलती है क्योंकि वह अपने विदुर पिता मतलब के साथ घर बनाने के लिए स्ट्रगल करता है। विदुर मतलब कि ए मैन हु हैज लॉस्ट हिज वाइफ बाय डेथ एंड हैज नो मैरिड रीमैरिड। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के एक उपनगर में रहते हुए उन्होंने नस्ली हिंसा, राजनीतिक घोटाले देखे जो जॉन ने सामग्री के लिए खनन के लिए उपयोग किए और उन्होंने अपने घर की खराब दीवार को रिपेयर करने के लिए फिजिकल लेबर को भी डिस्क्राइब किया है और ऑब्जर्व His lack of success compared to a former classmate. The first interview subject, Dr. Julia Frank, 1972 में जॉन से मिली when he was 26, क्योंकि वह न तो अमीर और न ही सुंदर और न ही आकर्षक था। उसने कंक्लूजन निकाला कि वह क्लेवर होना चाहिए। अपने पति की इनफिनिटी यानी बेवफाई का पता चलने पर जूलिया ने जॉन के साथ फिजिकल होना चाहा। जब तक जूलिया ने उसे लेटर लिखा तब तक जॉन उसे अवॉइड करता है। फिर उन्होंने उसे और उसकी 2 साल की बेटी और को अपने पति के साथ डिनर के लिए इनवाइट किया। द कोर्जी सर्व ए सिंपल मील दैट जूलिया स्कॉर्न मतलब एक बहुत ही तरीके से निकल लेती है। थॉट सी रिस्पेक्टेड जॉन्स केयर फॉर हिज फादर, हर ओन फादर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया वाज ए नेगलेक्टेड इन ए सैनिटोरियम। क्योंकि जूलिया ने अपनी खुद की इन्फिनिटी यानी बेवफाई को एक गलती माना, उसने अपने पति मार्क को उसके लिए माफ कर दिया। जल्दी ही उसे पता चला कि उसने हांगकांग की ट्रिप पर अपने अफेयर को फिर से शुरू करने का प्लान किया। जब वह चला गया था उसने जॉन के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को फिर से शुरू किया और उसने उसे अपने पहले नॉवल डस्कलाइन का प्री पब्लिकेशन प्रूफ दिया। दे डिसएग्रीड अबाउट द पर्पज ऑफ राइटिंग एंड इनएक्चुअल आर्ग्यूमेंट जूलिया एंजॉय। लेकिन जब जॉन ने जोर देकर कहा कि दोनों एक्सेप्टेड के म्यूजिक के लिए उनके प्यार के समय की कोशिश करते हैं, जूलिया वाज अनइंटरेस्टेड। द होल बिजनेस स्टक मी एज अ फोर्स्ड एंड रिडिकुलियस सम हाउ और अदर माय रिमोटनेस कम्युनिकेटेड इटसेल्फ टू जॉन। जूलियाज सिचुएशन रियली अनॉयड जॉन। ही डिड नॉट लाइक हिज पैट थ्योरीज टू बी मेड फन ऑफ सी से। When Mark returned from Hong Kong, he found a used condom in his and Julia's bedroom.
द रिजल्टिंग फाइट लेफ्ट जूलिया फीलिंग लाइक अ स्पैक्ड चाइल्ड और वह एक होटल में रहने लगी। मार्क ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इसीलिए जूलिया ने जॉन से मदद मांगी। ही मेड लव विथ हर एट द होटल बट लेफ्ट वाइल शी वॉज असलीप एन अबॉर्डमेंट जूलिया स्टिल फाइन अनफॉर्गिवेबल। हालांकि उसने उसे अपने घर पर रहने के लिए इन्वाइट किया लेकिन उसे जल्द ही अपने अफेयर्स को खत्म कर दिया। द इंटरव्यूअर विद जॉन्स कजन्स मार्गरेटो हैज बीन सिचुएटेड इनटू हिम स्टिच्ड इनटू अ नैरेटिव बाय द इंटरव्यूअर। द नैरेटिव इज इंस्पायर्ड विद मार्गरेटोस कमेंट जिनमें से कुछ दिखाते हैं कि वह इंटरव्यूअर की डिस्क्रिप्शन और उनकी स्टोरी के डिस्क्राइब से परेशान है। मार्गरेटो एक क्रिसमस को याद करते हैं जब जॉन विदेश में बरसों के बाद परिवार के खेत में अपमानित होकर लौटते हैं और बहुत सी कानूनी परेशानियां होती हैं। मार्गरेटो ने जॉन के साथ यादें साझा की और अपने कमजोर पिता पर चिंतित थे। वाइलर सिस्टर कॉरल वाज क्रिटिकल ऑफ जॉन स्टाइल एंड अपीयरेंस एंड मैनर। मार्वेली के घटते शहर की ड्राइव पर जहाँ रंगभेद के संकेत गायब थे, मतलब वहाँ पर कुछ भी रंगीन नहीं था, मतलब सारा सुनसान था, जॉन ने मार्गरेटो को एक प्रॉपर्टी दिखाई जो वह अपने पिता के लिए खरीदने का विचार कर रहा था। उसने जगह को जर्जर पाया, एक बहुत ही पूरी अधर्जन पाया और उसने वहाँ अंदर जा देखने के लिए मना कर अंदर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। जॉन्स कार ओवरहीटेड एज दे ड्रॉप बैक एंड ही वॉज अनेबल टू रिपेयर। रात पर फंसे रहे द टू टोल्ड स्टोरीज अंटिल जॉन्स फॉलन स्लिप। मार्गरेटो अपनी नींद और कार की असफलता दोनों को पारिवारिक असफलताओं के सबूत के रूप में मानते हैं। सांस की कमी के कारण उन्होंने आसान रास्ता चुना। सुबह में जॉन वापस मेडिकल चला गया, फिर कार के पास आ वापस लौटा और एक डोंगी गाड़ी पर मार्केट जाने के लिए एक आदमी के साथ वॉलफेलेंटाइन चला गया। जब दोनों परिवार के खेत में पहुंचे, तो कॉरेन ने प्रॉपर्टी खरीदने की जॉन के प्लान को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, हिज एम्बिशन इज टू बी ए पॉइंट दिस मैरवेली स्कीम हैज नथिंग टू डू विथ हिज फादर्स वेलफेयर। मार्गरेटो ने अगले दिन उसे इस बारे में पूछा और उसने पोएट्री लिखने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अनश्योर थे कि क्या दक्षिण अफ्रीका में वापसी करना उनके लिए एक गुड डिसीजन था। वेयर आई हैव नेवर फिटेड इन। आफ्टर मार्गरेटो एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द क्रिसमस गैदरिंग, उन्होंने जॉन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने शादी करने का अनुरोध किया। जॉन रिप्लाइड फॉर्मली हर्टिंग हर फीलिंग्स। मार्गरेटो ने फिर से नहीं लिखा, फिर से कुछ भी नहीं लिखा। कॉरियर की यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका के लंबे समय से वांछित कदम के साथ इस कदम के बाद कैरोल और मार्गरेटो की बुजुर्ग माँ को मार्गरेटो के साथ रहना था। इसके तुरंत बाद माँ ने एक हेल्थ क्रिसिस का अनुभव किया और केपटाउन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसलिए मार्गरेटो ने जॉन को मदद के लिए बुलाया। द टोकोई होम शी शेयर्ड विथ हिज फादर वॉज क्लोजली बाय एंड जॉन ब्रॉट मार्गरेटो टू स्टे विद देम। जॉन के कहने पर उसे घर की मर्यादा से भी वंचित कर दिया गया। यू कुड चेंज योर फेथ टुमारो इफ यू वुड जस्ट पुट योर माइंड टू इट। आप अपनी किस्मत कल बदल सकते हैं अगर आप बस अपना दिमाग लगा। जब वे अस्पताल लौट आए तो जॉन ने माँ को देखने से इनकार कर दिया और कहा कि वह उसे नहीं जाने। द थर्ड इंटरव्यू कंडक्टेड थ्रू ए ट्रांसलेटर। केपटाउन के ब्राजील में जन्मे अप्रवासी अद्रिना नेस्किमिनेटो के साथ विधवा हो गई जब उसके पति पर एक वर्क प्लेस रॉबरी के दौरान अटैक किया गया था। उसने डांस क्लासेस सिखाई और उसकी बड़ी बेटी जोना ने एक किराने की दुकान पर काम किया। उनकी छोटी बेटी मारिया रेजिना ने जॉन से अंग्रेजी कक्षाएं ली, इंग्लिश क्लासेस ली, जिन्होंने छात्रों को कविता का पाठ कराया। जॉन के कौशल स्किल और कक्षा की क्लासेस की सामग्री से बात से चिंतित एडिना ने उन्हें चाय के लिए इनवाइट किया। सी वॉज अनइम्प्रेस्ड विथ हिज मैनर एंड हिज अफ्रीकनर बैकग्राउंड और मानती थी कि वह अपनी बेटी को लीड कर रही है। उसने उसे अगले दिन एक नोट में वार्निंग दी जिसमें उसने उसे और उसके पिता के साथ पिकनिक के इन्विटेशन को जवाब दिया। बारिश के कारण उनके आउटिंग का प्लान सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एडिना को डे से नाराज़ नहीं किया था क्योंकि जॉन की सीमाएं मरिया मेरिजा रेजिन से संक्रमित हो गई। जॉन ने एडिना के साथ रोमांस किया लेकिन उसने उसके लेटर्स का जवाब देने से इनकार कर दिया।
ही देन एनरोल्ड इन वन ऑफ हर डांस क्लासेस। उसकी उपस्थिति और अयोग्यता से परेशान होकर उसने उसे और उसकी बेटी दोनों को अकेले छोड़ने के लिए कहा। फिर जॉन की क्लास से मरिया रेजिना को हटा दिया। इसने माँ और बेटी के बीच एक दरार पैदा कर दी। जॉन इवेंचुअली ड्रॉप द डांस क्लासेस एंड सेंट अ फाइनल लेटर, जिसे एडिना ने बिना पढ़े वापस कर दिया। द फोर्थ इंटरव्यूअर, मार्टिन कैप टाउन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर में इंग्लिश लिटरेचर में पोजीशन के लिए जॉन के साथ एक कैंडिडेट थे। जॉन के नौकरी के इंटरव्यू के बाद मार्टिन ने उसे चाय पर इन्वाइट किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के श्वेत अवशेषों पर चर्चा की एक विषय और बातचीत, जिस पर जॉन ने बाद में एक विखंडन संस्मरण दिया। मार्टिन वॉन द यूनिवर्सिटी पोस्ट एंड ही एंड जॉन इवेंचुअली co-taught a course on a poetry. John was a poor teacher. Martin believed only wanting the security of a paycheck. Sometimes, fifth interview is with Sophie Donnell, a former French instructor at the University of Cape Town. 1976 में उसने और जॉन ने एक अफ्रीकन लिटरेचर क्लास में सहयोग किया। Both white, they attracted mainly white student. जब राजनीति ने अपना कुछ बदल सब कुछ बदल दिया, विशेष रूप से क्योंकि जॉन सोफी के अनुमान में राजनीतिक विरोधी थे, वास्तविकता की तुलना में यूटोपिया में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने एक ब्रीफ अफेयर शुरू किया, जिसके दौरान जॉन ने सोफी को अपनी पांडुलिपि इन द हार्ट ऑफ द कंट्री की एक कॉपी दी। उन्होंने एक वाइट साउथ अफ्रीकन के रूप में अपनी परेशानियों को पहचान को नोट किया। उन्होंने राष्ट्रवादी राजनीति को खारिज कर दिया, लेकिन अपने युवाओं के लिए उदासीन थे। दियर रिलेशनशिप एंडेड बिकॉज सोफी वांटेड इट टू प्रोग्रेस एंड जॉन वांटेड इट लाइक साउथ अफ्रीकन हु रिमेन द सेम। वो भी चाहते थे कि साउथ अफ्रीकन सेम रहे। बुक के फाइनल सेशन में जॉन के नोटबुक से संबंधित अंश हैं, जो उनके पिता के साथ उनके संबंधों से संबंधित हैं। द लास्ट एक्सट्रैक्ट रिकाउंट व्हेन जॉन्स फादर डेवलप्ड लेंजिकल कैंसर। सर्जरी के बाद बूढ़े आदमी ने बोलने की क्षमता खो दी और उसे घर भेज दिया गया। जॉन हैड टू चूज बिटवीन आइदर नेग्लिजेंस हिज राइटिंग टू केयर फॉर हिज फादर और नेग्लेक्टिंग हिज फादर। देयर इज नो थर्ड वे। हिज चॉइस इज लेफ्ट अनक्लियर टू द रीडर।